किस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो बहुत दिन के बाद फिर आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। आप लोगों के साथ एक वीडियो आज शेयर करने वाला। आप में से सभी लोग तो फेसबुक तो यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं, और सभी लोग जो है करीब करीब फेसबुक तो यूज करते ही है। और फेसबुक में हम सभी लोग जो स्टोरी डालते ही है, तो वो जो स्टोरी हम डालते हैं वो 24 आवर तक रहते हैं। आप सभी लोगों को तो पता ही है, मतलब एक दिन के बाद वो नहीं रहता, स्टोरी में नहीं रहता। तो आज की वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो स्टोरी कहाँ पर सेव हो जाता है, ठीक है, और वो स्टोरी को आप दोबारा कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आप 1 साल पहले 1.5 साल पहले अपने फेसबुक अकाउंट में एक स्टोरी दिए हो, ठीक है, और उसका फोटो, उसका वीडियो कुछ भी आपके पास नहीं रहा, तो आप देख सकते हो कि कौन सा स्टोरी मैंने दिया था, ठीक है, पुराने यादें को आप ताज़ा कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही टॉपिक है कि आप अपना जो पुराना फेसबुक स्टोरी है आप खुद ही नहीं जानते कि कौन सा स्टोरी दिया हो, ठीक है, आप देखेगा तो मतलब मजा ही आ जाएगा। तो वीडियो को मस्ट कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो फेसबुक मैसेंजर है, ये जो बड़ा वाला फेसबुक मैसेंजर है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना है, और आपका जो फेसबुक अकाउंट है इसमें लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो आपको सिंपली से करना क्या है, फेसबुक मैसेंजर को आपको सिंपली से ओपन कर लेना है, जो बड़ा वाला फेसबुक मैसेंजर है, ठीक है, छोटा में नहीं होगा, मतलब वो जो लाइट वाला है लाइट वाला में नहीं होगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा है एकदम कोना में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली से करना क्या है, क्लिक कर देना। और तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग देने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इसे आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको चलाना नीचे में, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक मतलब सेटिंग देखने को मिल जाएगा स्टोरी बोलकर, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर डाटा सेवर के नीचे एक स्टोरी बोलकर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली से करना क्या है, इस वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना, स्टोरी वाला ऑप्शन, और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली से करना क्या है, यहाँ पर जो आर्चिव स्टोरी बोल का जो ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा व्यू स्टोरी आर्चिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली से करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। और दोस्तों क्लिक करने के साथ साथ ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, मेरा यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप जैसे देख सकते हो, मैंने जो जो स्टोरी दिया है डेट बाय डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैंने फेसबुक में स्टोरी दिया है, मतलब 1 साल पहले 2 साल पहले 1.5 साल पहले जो स्टोरी दिए हैं, मतलब डेट बाय डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली से करना क्या है, आप जो स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हो, मतलब मैं मान लिया ये स्टोरी को यहाँ पर आपको मैं प्ले करके दिखाया था, ठीक है, तो ये स्टोरी को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको डाउनलोड करने के लिए करना क्या है मैं आपको बता दिया, तो आपको सिंपली से स्टोरी पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली से करना क्या है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो सेव वाला ऑप्शन है, ये सेव वाला ऑप्शन में आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, ठीक है, और क्लिक करने के बाद ये आपका फ़ोन में डाउनलोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं एक स्टोरी और आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो इस स्टोरी को डाउनलोड करने के 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो सेव वाला ऑप्शन है, सेव वाला ऑप्शन में आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। तो मैं आपको गैलरी में जाकर का दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जितना भी फेसबुक में स्टोरी डाला है, ठीक है, यहाँ पर एक दिन के बाद यहाँ पर आके सेव हो गया है, ठीक है, आप खुद का भी मतलब देख सकते हो। तो मैं गैलरी में जाकर का दिखा देता हूँ कि मेरा जो स्टोरी है वो स्टोरी सेव हुआ है या नहीं। ये मेरा गैलरी है, तो गैलरी को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं रिसेंट टैब में जाता हूँ, ठीक है, वीडियो में दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये वाला जो वीडियो है अभी डाउनलोड किया, और ये वाला जो वीडियो है ये अभी डाउनलोड किया, ठीक है।
तो इसी तरह से आप अपनी पुरानी यादें को ताज़ा कर सकते हो। आप 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो जो स्टोरी दिए हो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।